वेलकम टू जिमी फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जिमी खान और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मशीन से रिलेटेड और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स, जिसको चलाकर और जिसको घर में कर आप मशीन चलाना और स्टिचिंग में फिनिशिंग लाना दोनों आसानी से सीख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ये फुल शटल का नीडल है और ये फुल शटल के नीडल के अंदर एक जो पार्ट आता है हॉल की तरफ, उसके अंदर एक कैनल बना हुआ होता है जिसको आप अपना नेल घुमाकर पता कर सकते हो, और दूसरी तरफ रहता है वो टिल वाला भाग रहता है जिसके अंदर एक थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ होता है और थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो जो टिल वाला भाग है वो मशीन के इस तरफ लगाएंगे, हम मशीन के इस तरफ लगाएंगे, और जो कैनल वाला भाग है वो बाहर की तरफ लगाएंगे। तो ये मैं लगा रहा हूं। अब देखना है कि जो हॉल है वो ऐसे नहीं होगा, हमारा वो हॉल होगा ऐसे। तो हम यहाँ से थ्रेड को डालेंगे, तो ये जो पार्ट है वो अपना कैनल वाला पार्ट है और ये जो वाला पार्ट है अंदर की तरफ वो टिल वाला भाग है। तो ये मशीन का सुई लगाना सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगा शटल को लगाना, कि अंदर जब शटल घूमता है तब इसमें स्टिचिंग लगता है, जब ये घूमता है तब स्टिचिंग लगता है। तो आपको मैं एकदम पास से लाकर दिखाऊंगा। देखो, ये जो वाला पार्ट है वो शटल है, इसके अंदर केस लगेगा, शटल केस। ओके, अब वो कैसे लगाना है वो आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। ये शटल है और इसके अंदर मैं बॉबिन डालने वाला हूँ। बॉबिन को ये कैनल के अंदर डालकर ये हॉल है वहां तक खींच लेना है, फिर इसको ये स्ट्रिप से पकड़ना है पट्टी से, और पट्टी से पकड़कर डायरेक्टली शटल के अंदर डालना है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डालना है। ये डायरेक्टली, ये जैसे कि इसके अंदर हॉल बना हुआ है और ये जो पॉइंट वाले है इसके अंदर हॉल को डाल देंगे और हमारा शटल हो जाएगा फिक्स, समझ में। अब शटल को जब करोगे तो ये पूरा गैप फिनिश होने जाने चाहिए। जैसे कि समझो कि ये ऐसे लग गया तो ये परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा बाकी है इसके अंदर। तो इसको प्रेस करोगे ये परफेक्टली एकदम इक्वली आ जाएगा, समझ में। तो ये परफेक्ट है, मगर हमें ऐसे नहीं लगाना है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो प्रोफेशनल स्टाइल से सिखाने वाला हूँ, इसलिए इसको आपको घर पे बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपको आएगा। और इसको देखे बिना लगाना है, ये तो हम अभी देख कर लगा रहे हैं, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि देखे बिना कैसे लगाते हैं। शटल के अंदर के हिस्से के अंदर हाथ डालकर फिलिंग करना है। जब फील करेंगे तो पता चलेगा कि वो हॉल किधर है। तो थोड़ा प्रैक्टिस इसको पे लगाना है कि अपने इसको फील करना है कि वो गड्ढा किधर पे शटल का, बराबर। फिर बाद में हम शटल को ऐसे पकड़ेंगे और डायरेक्टली इसके अंदर पुश करके बिठा देंगे। इसको बार बार निकालना है और फिर वापस डालना है। इसको 10-12 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। जैसे हम कीबोर्ड चलाते हैं तो पता चल जाता है ना कि ABCD किधर है, वो अपना हाथ वैसे ही घूमने लगता है, वैसे ही हमें ये शटल के अंदर भी करना है कि हमें शटल जो केस है वो शटल केस परफेक्टली उसके अंदर जाना चाहिए। तो ये हो गया शटल का लेसन, कि शटल कैसे डाला जाता है, सुई कैसे डाला जाता है। अभी आगे लेसन चलने वाला है, तो अभी शटल को बाहर निकाल लेना है। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि शटल का काम फिर बाद में आएगा, तो अभी मैं शटल को निकाल के साइड पर रखता हूँ। अब हमें सीखना है कि इंडियन मशीन हो या फिर चाइना का मशीन हो या फिर जापानीज मशीन हो, कुछ भी मशीन हो, वो सबका चलाने का मेथड सेम टू सेम रहता है। अगर मोटर वाला इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो, अगर पैदल वाला हुआ तो फिर पैदल वाला चलाना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि उसके अंदर सेटअप अलग रहता है। इसमें क्या है कि आप एक्सीलेटर होता है और एक फुट पेड होता है,
तो आपको वो दोनों ही सिखाने वाला हूँ कि एक्सीलेटर चलाना कैसा है, कि जिसकी वजह से एक्सीलेटर दबाने से मशीन कैसे चलता है, और फुट कैसे उठता है यानी खड़ा होता है। ये आप देखोगे कि ये एक्सीलेटर है, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो चलने लगेगा। इतना तो सब जानते ही होंगे कि एक्सीलेटर से मशीन चलने लगता है। और यहाँ पे जो गोल सर्कल है, ये फुट पेट को उड़ाने का यानी बूट को उठाने का ब्रेक है। इसको जब आप प्रेस करोगे यहाँ से तो वहाँ पे फुट है, जो बूट है वो उठने लगेगा। ये देखो ये उठ रहा है बराबर। तो हम एक्सीलेटर भी जान गए और फुट पेट को कैसे उठाना है वो भी जान गए। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या करना है, कैसे करने से मशीन चलाना भी घर पे आ जाएगा और स्टिचिंग के अंदर फिनिशिंग भी आ जाएगा। तो पहला मैं लेसन जो बता रहा हूँ वो मैं अपने हाथ का ही बता रहा हूँ कि हाथ कैसे रखना है और मशीन को कैसे चलाना है। ये हाथ से हम कपड़े को बैलेंस करेंगे, कपड़े को गिरने से बचाएंगे, कपड़े को समेटेंगे। और ये हाथ है जो स्ट्रेट सीधा हाथ है, यानी कोई लेफ्टी होता उसका अलग होगा, मगर जो राइट हैंड से करता है तो उसको क्या है कि इससे कपड़े को गाइड करना है और ये इससे कपड़े को संभालना है। तो हमें पहला अपने मशीन को स्टिच करने से पहले उसको चलाना सीखना है कि कैसे चलाएं। जितना स्पीड धीरे रखोगे उतना अच्छा है, यानी इससे आपकी मशीन के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादातर आएगा। तो क्या है, एक 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 टांका लगे यानी एक 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 स्टिच लगे, ऐसे आपको प्रेस करना है बंद करना है, प्रेस करना है बंद करना है। इसकी वजह से क्या है कि आप मशीन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे और आगे आने वाले लेसन के अंदर जैसे कि बड़ी बड़ी पैटर्न भी होगी और गले के अंदर, बैक नेक, फ्रंट नेक, फिर स्लीव के अंदर, यानी गोल राउंड वाला पार्ट होगा उसके अंदर भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो हमारे हाथ ऐसे ही रखना है अपना और ये इससे कपड़े को गाइड करना है और इससे कपड़े को समेटना है। और इसको तकरीबन रोज एक बार तो करना ही है। तो इससे करने से क्या आपको ग्रिप मिलेगी और आप इसको पे कंट्रोल कर पाओगे। इतना समझ में आया, अब हम आगे का लेसन चलेंगे। तो अब मैंने एक कपड़े के ऊपर, कॉटन का कपड़ा है ये, इसे डबल कर लिया और इसको आइनिंग करके इसके ऊपर स्केल से लाइनिंग गिरा दी, पेन से, पेंसिल से या मार्कर से, किसी से भी गिरा सकते हो आप। फिर अब जब मार्किंग गिराने के बाद अब मैं इसको पे स्टिचिंग लगाऊंगा। अब मुझे फुट पैड को उठाना है और सुई ऊपर होना चाहिए। जब मैं फुट पैड को उठाकर यहाँ पे रखूँगा फिर मैं अब फोकस करूँगा सुई को और ये लाइनिंग है उसको, दोनों को फोकस करके धीरे 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 इसके ऊपर स्टिचिंग लगाऊंगा। स्टिचिंग लगाते 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 मुझे धीरे धीरे जितना कंट्रोल कर पाओगे उतना अच्छा है। ये हाथ से मैं कपड़े को पकड़ूंगा और ये हाथ से सीधे हाथ से कपड़े को गाइड करूंगा। और ठीक एंडिंग से पहले ही रुक जाना है, सुई अंदर होना चाहिए। जब सुई अंदर होगी तो फुट पेट उठाने में बेहतर ही रहेगी, नहीं तो आप फुट पेट उठा लोगे और सुई अंदर नहीं होगी तो आपका जो स्टिचिंग का जो लाइन लेवल है वो हट जाएगा। तो सुई को अंदर ही रखकर फुट पेट को उठाकर फिर हम सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ गिराएंगे। जब लगाने के बाद हम इसको परफेक्टली उठाकर वापस जिगजैग की ओर मोड़ेंगे। ये तो मैं अभी फास्ट कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे ही करना है। तो इससे क्या आपका फिनिशिंग भी आएगा और आपको सीखने में मज़ा आएगा। फिर वापस हमें बूट उठाना है फुट पैड उठाकर, फिर वापस सिलाई लगाना है लाइनिंग तक, फिर वापस उठाना है, फिर वापस सिलाई लगाना है। ये नहीं, पूरा जिगजैग पूरा करना है हमें थ्रेड लगाने के बगैर। फिर थ्रेड कैसे करना है वो आगे का लेसन में आपको बताता हूँ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि थ्रेड कैसे लगाना है। जो इंडस्ट्रियल मशीन है उसके अंदर थ्रेड यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ पे लगेगा, और जो इंडियन मशीन रहता है वहाँ पे यहाँ पे एक बार जैसा आता है जिसके अंदर अपने रील लगा देते, थ्रेड लगा देते, और फिर बाद में ये दो प्लेटों के बीच में जाएगा। ये दो प्लेट के बीच में से ये स्प्रिंग है वो टेंशन बोलते हैं इसको, जिससे दोरे को टाइट और ढीला किया जा सकता है। अगर बहुत टाइट है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और बहुत ढीला है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, बराबर। वो जब घुमा कर फिर हमें
इसके अंदर डालना है। फिर यहाँ पे इस होल के अंदर घुसा कर सीधा डोरा नीचे की तरफ ले जाना है थ्रेड, इससे डोरा खींचता है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये यहाँ पे नहीं लगाया तो डोरा खींचेगा नहीं, सही है। फिर हमें डायरेक्टली हम इसको थ्रेड के अंदर लगाएंगे, सुई के अंदर लगा देंगे। सुई के अंदर लगा कर इसको परफेक्टली मैंने कर दिया है। अभी हमें एक्सीलेटर के ऊपर पैर नहीं रखना है, क्योंकि हमें अभी शटल को लगाना है। क्योंकि न्यू जो बिगिनर हो उसके लिए तो बहुत ही ध्यान रखना है कि एक्सीलेटर को पैर ना रखें, क्योंकि अगर आप अंदर थ्रेड डाल दिए और फिर शटल डालने के लिए हाथ लगा रहे हो और ऊपर वाला ना कर रहे हो, तुमने मशीन को दबा दिया तो आपको चोट लग सकती है हाथ के अंदर, सही है। तो अपना ध्यान रखें और सेफ्टी के साथ अपना काम करें। अब मैं ये शटल अंदर डालूंगा, ये अंदर डालकर अब मैं ये डोरे को पकड़ लूंगा और हाथ से घुमाकर ये डोरे को ऊपर ले आऊंगा। जैसे ये ऊपर आ जाएगा फिर मैं स्टिचिंग चालू करूंगा। अब वैसे ही मैंने आपको बताया था कि स्टिचिंग कैसे लेना है, जो हमने बगैर थ्रेड के लिया था अब वो थ्रेड के साथ करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फिनिशिंग कैसे हो रहा है। सुई अंदर, फिर वापस इधर, फिर वापस इसको कंटिन्यू करना है, इसको एक ही बार करना है। ये हम जिगजैग पूरा भर देंगे। अब हमें ध्यान देना है कि ये पॉइंट परफेक्टली आना चाहिए, जैसे कि जहाँ पे मेरी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये पॉइंट परफेक्ट आ रहा है, वैसे ही देख रहा हूँ। ये पॉइंट गोल नहीं होने चाहिए, अगर गोल होगा तो फिर आगे जाके पॉइंट निकालने में दिक्कत रहेगी। फिर हमें जब स्टिचिंग कर लिया तब हमें इसे खोलना भी सीखना है, थ्रेडर से भी खोल सकते हो और ये कपड़े को खोलने की ईजी स्टाइल है। एक डोरा इधर से आगे की तरफ से, एक पीछे की तरफ से खींच कर इसको खोलना है, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से। ये भी एक लेसन ही है खोलना भी, खोल कर सब कचरे को एक साइड पर कर देना, जितना भी थ्रेड निकल रहा है टुकड़ा टुकड़ा नीचे नहीं गिराना, सफाई भी रखना है हमें। जो आदत पहले से रहेगी वो हमेशा रहेगी, तो ये मैंने पूरा खोल देना है ऐसे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के लेसन पर। वैसे ही अब मैंने वैसे ही कपड़े के ऊपर एक लाइनिंग गिरा दी है, अब मैं कपड़े के ऊपर बूट का सिलाई लगाऊंगा। अब मुझे ये लाइन के ऊपर से सिलाई नहीं लगाना है, लाइन को ये दोनों कॉर्नर के आसपास जाने देना है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये लाइन है, ये बूट की साइड के ऊपर जाना चाहिए, और जब ये सिलाई स्टिचिंग लग जाएगी तो फिर वो ये बूट की कॉर्नर के ऊपर टच होके जाएगी। यानी अभी मुझे सुई के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये लाइनिंग को देखना है कि वो साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर टच होके जा रही है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बराबर ऐसे टच होकर सीधी सीधी जाएगी। मैं आगे लगाता हूँ, आप देखिए, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ दोनों चीज़ों को। थैंक यू, बताओ। देखो वो डोरी को, लाइन को डोरी टच होके जा रही है, बराबर। यानी अभी मैं सुई को पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ,
मैं लाइन को पे ध्यान दे रहा हूँ कि वो लाइन वो बूट की एंडिंग को टच होकर जाए। ये सिलाई को हम बूट का सिलाई बोलते हैं, 1/4 का सिलाई भी बोलते हैं, बूट का सिलाई भी बोलते हैं, मगर आगे आगे आपको मैं बोलता रहूँगा ना, क्योंकि ये सब मेरा कोड वर्ग है। जो कोड वर्ग मैं चलाता हूँ कि बूट का स्टिच करना है, तो आपको समझ जाना है कि बूट का स्टिच कौन सा होता है। तो हम क्या है, एक कॉर्नर ये वाला, एक कॉर्नर वो वाला पकड़ के ऐसे फिलअप करेंगे। इससे क्या है कि हमें दोनों तरफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ही कंटिन्यू रखना है हमें, इसको भी पूरा फिलअप कर लेना है। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो कि मैंने सही सिलाई नहीं लगाई, तब तक इसको खोलना है और लगाना है। स्टार्टिंग थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो है वो मजबूत करने के लिए बार बार खोलना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। जब आप बार बार खोलोगे तो आपको बोरिंग लगेगा, तो आप एक ही बार में सही तरह से लगाना चाहोगे कि मैं अच्छी तरह से कर लूँ, मेरे को बार बार खोलने की नौबत ना आए। ठीक है, तो ये हो गए हमारी बूट की सिलाई। समझ में आ रहा है? आप देख रहे होगे सब कि बूट का सिलाई कैसे लग रहा है। ठीक है, सब लाइन वाइज होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं बताऊंगा आपको कि कॉटन का कपड़ा लिया था, उसके ऊपर मैंने ये देख सकोगे आप कैनवास लगाया हुआ है, इसको फ्यूजिंग भी बोलते हैं, पेपर फ्यूजिंग और पेपर कैनवास भी बोलते हैं। इसको मैंने स्क्वायर कटिंग करके एक कपड़े के ऊपर आइनिंग से चिपका दिया है। ठीक है, अब मैं इसका कॉर्नर ध्यान रखूंगा और जो लाइन है बॉर्डर लाइन, उसको मैं बूट का सिलाई लगाऊंगा, यानी ये बूट को टच करके जाने दूंगा। इसको हम बोलते हैं स्पाइडर वॉल। स्पाइडर जैसे अपना जाला गुनता है, वैसे ही हमें भी इसको गुनना है बूट की सिलाई के अंदर। सो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, एकदम से स्पीड को नहीं बढ़ा देना, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। अंदर 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 कंटिन्यू जाते जाना। ठीक है, वो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। इसको कंटिन्यू करके पूरा हम स्पाइडर वॉल बनाएंगे। ठीक है, जितना इसमें फिनिशिंग लाओगे उतना आगे काम आएगा। इसको स्क्वायर करते 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 अंदर तक जाना है। ठीक है, ओके एवरीवन। इजी मेथड ब्राइट फ्यूचर के लिए फॉलो कीजिए जिमी फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट।